दोस्तों यह है टी वी एस जुपिटर बी एस सिक्स एफ आई मॉडल और इस गाड़ी में फ्यूल पंप ख़राब हो चुका है और मैं इस गाड़ी का फ्यूल पंप बदल के दिखाने वाला हूँ। नया मुझे फ्यूल पंप डालना है तो ये इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है ये सब मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल ये मैंने इसकी पाइप खोली हुई है, ये मैं लगा देता हूँ और आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, जब मैं चाबी ऑन करता हूँ ये तो खर खर सी आवाज़ आती है फ्यूल पंप के अंदर, तो मैं आपको पहले स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब मैं इसकी पाइप जो है खोल के दिखा देता हूँ। तो ये मैंने पाइप हटा दी, इसकी निकाल दी। अब मैं चाबी ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो है खर्र खर्र जैसी आवाज़ करता है जब हम चाबी ऑन करते हैं, और इस तरीके की आवाज़ भी इसको नहीं करनी चाहिए। और जब हम चाबी ऑन करते हैं 2 से 3 सेकंड तक इसको कंटिन्यू फ्यूल पंप को चलना चाहिए। तो ये मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगाता है, ये बंद हो जाता है वैसे ही जैसे हम चाबी ऑन करते हैं, बस ये देखिए। और इसके अंदर ऐसा लग रहा होगा आपको कि पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल ये देखिए, क्योंकि जब हम चाबी ऑन करते हैं पेट्रोल निकलता है और ऐसा लग रहा है कि आधी हवा और आधा पेट्रोल बाहर आ रहा है, जैसे कि पेट्रोल इसके अंदर नहीं है। और मैं आपको दिखा दूं, पेट्रोल भी इसके अंदर काफ़ी है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ तक पेट्रोल है इसका। और ये देखिए, क्योंकि जब नॉर्मल हमारा फ्यूल पंप अच्छा होता है तो हम जब चाबी ऑन करते हैं 2 से 3 सेकंड तक ये चलता है फ्यूल पंप, उसके बाद में बंद हो जाता है, और जब हम फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब चलता है। तो इसके अंदर ये है कि बहुत ही कम समय लेता है, बस थोड़ा सा चलता है फिर वैसे ही बंद हो जाता है, और साउंड भी कर रहा है। तो ये देखिए, ये देखिए। तो अब मैं आपको, तो मुझे फ्यूल पंप ये बदलना है, और फ्यूल पंप में मेरे पास ये है, और इसका मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ। ये देखिए 1918 रुपये, और ये देखिए फ्यूल पंप मॉड्यूल। और मैं आपको फ्यूल पंप बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। यह है इसका फ्यूल पंप, और मैं ये फ्यूल पंप बदल के आपको दिखाऊंगा, फिर दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है और ये साउंड करता है कि नहीं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और ये है मेरे पास फ्यूल पंप, तो चलिए हम जल्दी से इसको बदल लेते हैं, नए वाला उसमें इंस्टॉल कर देते हैं, और फिर मैं आपको आगे का वीडियो दिखाता हूँ बना के। और ये मैंने आपको दिखा दिया इसका प्राइस वगैरह, इसका पार्ट नंबर ये। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए, मेरे पास ये कैमरा पकड़ने के लिए दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, तो मैं इसको ये वीडियो को यहीं पर रोक के और मैं ये बदल के आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। तो दोस्तों ये हमने इसके अंदर फिट कर दिया है, नया डाल दिया है। अब मैं आपको इसका प्रेशर चेक करा देता हूँ कि इसके अंदर कितना है। ये देखिए पहले इसके अंदर कितना कम प्रेशर था, और ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर हवा बाहर फेंक रहा है, तो अब ये देख पा रहे हैं। मैं इसकी चाबी ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए, और पहले ये कट भी मार रहा था, साउंड भी कर रहा था और कट भी मार रहा था ये फ्यूल पंप, अब बिल्कुल ये ओके है। मैं आपको ये देखिए, ये देखिए कितनी प्रेशर से पेट्रोल बाहर फेंक रहा है। तो अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। अब मैं चाबी ऑन करता हूँ तो इसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, ये देख पा रहे होंगे आप, सुन पा रहे होंगे, पहले इसके अंदर खरड़ खरड़ की आवाज़ आ रही थी। तो दोस्तों पुराना वाला जो फ्यूल पंप था उसमें 4-5 कमियां थी। तो पहली कमी मैं आपको बता दूं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, और दूसरी कमी उसमें जितना उसको पेट्रोल बाहर फेंकना चाहिए उतना वो नहीं बाहर आ रहा था पेट्रोल, और तीसरी कमी मैं आपको बता दूं कि वो कट मार रहा था, जैसे कि हम नॉर्मली जब चाबी ऑन करते हैं तो वो 2 से 3 सेकंड
हमारा फ्यूल पंप चलता है लगातार, और वो ऐसा उसके साथ ऐसा कुछ नहीं था जैसे हम चाबी ऑन करते थे और एक सेकंड भी ज़्यादा था वो वैसे ही बंद हो जाता था और कट भी मार रहा था फ्यूल पंप और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और जब मैंने उसमें नया फ्यूल पंप डाला तो आप देख पा रहे होंगे कितनी मोटी धार से पेट्रोल बाहर आ रहा था। तो दोस्तों यही था कुछ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।